अमेठी लोकसभा क्षेत्र से राहुल गांधी भले ही चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन अमेठी को कांग्रेस पार्टी हलके में नहीं ले रही है। कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी केएल शर्मा को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। तो क्या बीजेपी के लिए अमेठी में संकट के बादल हैं? अगर नहीं तो अमेठी में लगातार बैठकों का दौर क्यों चल रहा है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यही राजनीति इस क्षेत्र में आपने मेरे पिताजी के साथ स्थापित की। भले ही अमेठी में स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी की कड़ी टक्कर ना देखने को मिल रही हो, तब भी यहां दो पावर लेडीज का मुकाबला जरूर हो रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर भले ही प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में नहीं उतरी, लेकिन चुनाव की कमान संभालने के लिए रायबरेली के साथ साथ अमेठी में भी अपनी कमर कसी हुई है। अमेठी से कांग्रेस पार्टी ने भले ही गांधी परिवार के किसी सदस्य को मैदान में नहीं उतारा, लेकिन अपने प्रत्याशी केएल शर्मा को मैदान में उतारकर गांधी परिवार की विरासत वापस पाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। वो समझते थे कि इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में जनता सर्वोपरि है, और यही राजनीति इस क्षेत्र में आपने मेरे पिताजी के साथ स्थापित की। अमेठी के कार्यकर्ताओं के सामने प्रियंका गांधी लगातार हुंकार भर रही हैं। दोबारा अमेठी को पाने के लिए जिद पर अड़ी हैं। जिद ऐसी कि आज सिर्फ एक दिन में 7 जनसभाएं करके प्रियंका गांधी प्रचंड गर्मी में पसीना बहा रही हैं। कांग्रेस की मेहनत का साफ असर बीजेपी पर भी दिख रहा है। शायद बीजेपी को भी ये एहसास हो गया है कि अमेठी की जंग इतनी भी आसान नहीं। अमेठी में बीजेपी के मंगल के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी भी पसीना बहा रहे हैं। यहाँ आपने देखा होगा 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। 2014 के पहले गरीब भूख से मरता था, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मरता था, किसान आत्महत्या करता था, और 2014 के बाद का भारत कैसे परिवर्तन हुआ, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ। अमेठी में स्मृति के मुकाबले गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा मैदान में हैं। 2014 में स्मृति ईरानी राहुल गांधी से हार गई थी, तो 2019 में स्मृति ईरानी महज 55,000 वोटों से जीती थी। 24 के चुनाव में हर फेस में वोटों का गिरता प्रतिशत भी बीजेपी के लिए एक बड़ा संकट है। अगर ऐसे ही वोटों का प्रतिशत गिरता रहा तो अमेठी में बीजेपी के लिए संकट हो सकता है। वजह है जीत का मार्जिन, इसलिए बीजेपी भी अमेठी की जंग जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 17 सीटों पर गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस जहां चुनाव लड़ रही है, वहां पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि ऐसे लड़ें जैसे आपकी अपनी पार्टी मैदान में है। अमेठी और रायबरेली की रैलियों में लाल टोपी वालों की भी अच्छी खासी उपस्थिति दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।